तस्वीरों में पुलिस के गिरफ्त में खड़ा ये शख्स दुबई ड्राई फ्रूट के नाम पर देश भर से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड सुमित यादव का दाहिना हाथ है और 25,000 का इनामी बदमाश सत्तन यादव है, जिसे आज थाना सेक्टर 58 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना सेक्टर 58 पुलिस को सूचना मिली थी कि नोएडा के सेक्टर 62 स्थित छोटा डी पार्क में सत्तन आने वाला है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और सत्तन यादव को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पूछताछ में सत्तन ने बताया कि सुमित यादव ही पूरे ठग का मास्टरमाइंड था और वो सुमित का ड्राइवर था। इसके साथ ही कंपनी अन्य अनेक काम सत्तन खुद किया करता था। सत्तन व्यापारियों को कंपनी में लाता था, कोई जब माल ना पहुंचने पर ऑफिस में आकर पूछता तो सत्तन उनको धमकाया करता था। सुमित यादव के कहने के अनुसार सत्तन धोखाधड़ी से कमाए पैसों को अलग अलग बैंकों में जमा करवाता था। इसके लिए सत्तन को सुमित सैलरी के अलावा ऊपर से भी पैसे देता था ताकि वो काम वफादारी से करे। आपको बता दें कि दुबई ड्राई फ्रूट नामक फर्जी कंपनी बना के ड्राई फ्रूट बेचने के नाम पर देश भर में करोड़ों की ठगी करने वाले इस गिरोह के मोहित गोयल, ओम प्रकाश जागीर, सुमित नेगी और अमरजीत को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से कुछ समय पहले एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था सेक्टर 258 में, और जिसमें ड्राई फ्रूट्स के नाम पे बड़े स्तर पे, देश व्यापी स्तर पे फ्रॉड्स का गैंग पकड़ा गया था। उसमें से एक अपराधी जो संलिप्त था उसमें, उसको सेक्टर 58 थाना ने अरेस्ट किया है। उसके खिलाफ साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आपराधिक इतिहास के लिए क्या है सरकार आपराधिक इतिहास? देखिए, अभी ये आपराधिक इतिहास तो उसका देख रहे हैं, लेकिन ये जो ड्राई फ्रूट्स का फ्रॉड हुआ था उसमें उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और उसमें हम लोग इसलिए उसके विरुद्ध जो भी साक्ष्य उसके आधार पर कार्रवाई करें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।